हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एक्सपर्ट। गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी वाईफाई बेस्ड वीडियो रहेगी कि किस तरीके से हम वाईफाई के पासवर्ड को CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट से हैक कर सकते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में कनेक्टेड वाईफाई कनेक्शंस के पासवर्ड को शो कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो गाइस, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हमारे वीडियोस पे। तो सबसे पहले गाइस, विंडो प्लस आर करके आपको क्या कर लेना है, रनबॉक्स को ओपन कर लेना है। और जैसे ही रनबॉक्स ओपन हो उसमें टाइप करना है CMD, और CMD टाइप करने के बाद आपको एंटर को प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपका CMD आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से उसके साइज़ को इनक्रीज़ कर लेना है। जैसे ही साइज़ आप इनक्रीज़ करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे उस वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने के लिए वाईफाई प्रोफाइल को आपको ओपन करना हो तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना है यहाँ से NAT SH। ओके गाइज, फिर आपको स्पेस रखना है, फिर आपको टाइप करना है WLAN और उसके बाद आपको फिर स्पेस रखना है। फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे शो और उसके बाद आपको स्पेस रखना है और फिर टाइप करेंगे आप प्रोफाइल। ओके गाइस, ये आपके पास कमांड रहेगी NAT SH स्पेस LAN स्पेस शो स्पेस प्रोफाइल और उसके बाद आपको एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सिस्टम में कनेक्टेड या फिर शो वाईफाई कनेक्शंस आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर। ओके गाइस, तो अभी हमारे सिस्टम्स में देख लेते हैं। जैसे हम सिस्टम्स में देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्शन पे, हमें कनेक्शन यहाँ पे दो कनेक्शन शो हो रखे हैं, वही कनेक्शन हमें डिस्प्ले पे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में शो हो रहे हैं। तो अभी हमें इन दोनों कनेक्शंस में एक कनेक्शन चूज करना है जिसका वाईफाई का पासवर्ड आपको शो करवाना है। ओके, तो जैसे हम फर्स्ट वाले कनेक्शंस को ही उठा लेते हैं यहाँ पे, इस कनेक्शंस को, तो अभी इसके वाईफाई के पासवर्ड को शो करवाने के लिए आपको फिर से कमांड को टाइप करना होगा। तो कमांड आपकी क्या रहेगी, नेट यहाँ पे टाइप करेंगे NAT SH उसके बाद स्पेस, फिर WLAN उसके बाद स्पेस, फिर आपको यहाँ लिखना है शो उसके बाद स्पेस और फिर आपको यहाँ लिखना है प्रोफाइल। ओके गाइस, ये कमांड जो पहले लिखी थी वही वहाँ तक तो कंप्लीट यहाँ तक कमांड रहेगी। उसके बाद आपको वो वाईफाई का नाम, आपको कनेक्शंस का नाम देना है जिसका आपको पासवर्ड शो करना है। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट का हमने शो करना है तो हम फर्स्ट जो कनेक्शंस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो आपके मैटर में कोई भी नाम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे उस वाईफाई कनेक्शन का नाम रखना है। फिर उसके बाद आपको स्पेस दे के लिखना है की और उसके बाद इज इक्वल के बाद आपको लिखना है क्लियर। ओके, तो उसके बाद फिर ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर को प्रेस कर देना है और फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे शो हो रखा है सिक्योरिटी सेटिंग। ओके, सिक्योरिटी सेटिंग में नीचे ऑप्शंस को मैं आपको दिखाई दे रहा है की कंटेंट। ओके, और जो की कंटेंट के सामने जो डिजिट आपके लिखे हुए हैं वही आपके इस वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप किसी भी वाईफाई के कनेक्शंस को जो है उसका पासवर्ड आप शो करवा सकते हैं। अभी इस पासवर्ड को डाल के देखते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पासवर्ड मांग रहा है और ये जो पासवर्ड शो हुआ है वही पासवर्ड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही इस पासवर्ड को अप्लाई करते हैं, एक बार पासवर्ड को शो कर लेते हैं, यहाँ से शो पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे जो पासवर्ड देखा है वही पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला है। ओके, और अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, आपका वाईफाई का पासवर्ड कनेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से गाइज, आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को शो करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।